This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. एटीन खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तस्लीम शुदा निजी स्कूल के इसातेजा और नॉन टीचिंग अमला को 2000 रुपए माहाना माली इमदाद और 25 किलो चावल बढ़ाने का फैसला किया है, जो स्कूल्स कोविड सेकेंड वेव 19 की वजह से बंद हो गए हैं। इससे 1,45,000 अमला को फायदा होगा। हुकूमत तेलंगाना से तेलंगाना हाईकोर्ट ने किया सवाल। रियासत तेलंगाना में कोविड 19 वबाई अमराज के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हाईकोर्ट ने हुकूमत से वबाई मर्ज के बारे में गैर संजीदा और गफलत बरतने पर सवाल किया। हाईकोर्ट ने ये जानना चाहा कि हुकूमत शराब खाने, सिनेमा हॉल्स और तफरी मुकामात पर पाबंदी अहद करने पर गौर क्यों नहीं कर रही। अदालत ने यह भी निशानदेही की कि अवाम बड़ी तादाद में जनाजों और शादी के सिलसिलों में शिरकत कर रहे हैं, जिससे अवाम की सेहत को बड़ा ख़तरा लाहक है। अदालत ने हुकूमत पर काफ़ी तादाद में RT-PCR टेस्ट नहीं करने पर भी बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रियासत से कहा कि ये वो बताएं कोविड 19 प्रोटोकॉल के खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करने वालों के ज़रिए क्या कार्रवाई की जा रही है और कानून शक्नी करने वालों पर कितना जुर्माना अहद किया गया है। अदालत ने हुकूमत तेलंगाना से कहा कि वबाई अमराज की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले इकदाम पर 38 घंटों के अंदर हाईकोर्ट को रिपोर्ट पेश करें। हैदराबाद के मशहूर बेगम बाजार में 100 से ज़्यादा कोविड 19 केसेस सामने आने के बाद हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि शहर के सबसे बड़े तिजारती मंडियों में से एक बेगम बाजार में दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में कोई लॉकडाउन या कोई कर्फ्यू नहीं होगा। हर रोज़ 50 से ज़्यादा अफराद तेलंगाना में कोविड वैक्सीन का टीका ले रहे हैं और हम कोविड 19 इलाज मुहैया कर रहे हैं। डायरेक्टर महकमा सेहत कोविड 19 खसूसी बुलेटिन के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 2,055 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए और 7 मुतासरीन की कोविड 19 से मौत हो गई। GHMC के इलाके में अंदरून 24 घंटे 398 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि मिर्जर मलकजगिरी में 214 और रंगारेड्डी में 174 कोविड 19 के नए पॉजिटिव केसेस दर्ज होने की इत्तला मिली। खदीर अहमद डिप्यूटी डायरेक्टर फिशर हैदराबाद को वुमेन फिशर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की तशकील से मुतालिक फाइल पर कार्रवाई करने के लिए 40,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और के अंजाई सीनियर असिस्टेंट को सेम फाइल पर 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन कैलाश मंत्री, हमारी संस्था जो है वो समय समय पर व्यापारियों के अपने व्यापार में दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों के और आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा के हेतु किस प्रकार से कई निर्णय लिए गए हैं। पिछले बार भी हम लोग इसी प्रकार का निर्णय लिए थे कि सामने हमारे पास में फेस्टिवल का पूरा सीजन है, जैसे कि रमजान है, शिवरात्रि है, रामनवमी है, तो इस देखते हुए कि बेगम बाजार में ज़्यादा भीड़ ना हो, हम लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन नहीं, हमने बिजनेस हवर्स को कम किया है। सुबह का हवर्स बढ़ा के शाम के टाइम के समय पर अपने प्रतिष्ठान बंद कर वो लोग, चाहे कस्टमर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, सब अपने अपने घरों पर समय पर जा सके, अपने फैमिली के साथ रह सके, क्योंकि जो हिसाब से कोरोना में बढ़ोतरी हो रही है किराना